सिंध हाई कोर्ट में लीगल एडवाइजर की जानिब से कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का केस है। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी, आज ये एक निजी कंपनी के अहदेदार की दरख्वास्त जमानत के दौरान एक अजीब के कानून बना सरकारी। असगर उमर हमें अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट में लीगल एडवाइजर की जानिब से कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का केस है। वकील दरख्वास्त गुजार और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे सामने पेश ना हो। वकील ने कहा कंपनी के कानूनी मुशीर ने कंपनी से 10 करोड़ बतौर मुआवजा तलब किया था। SECP कवानीन के तहत कानूनी मुशीर की फीस 5,000 महाना है, मुआवजा ना देने पर दबाव डालकर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अदालत ने मेरे मौकिल के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने कहा यह सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। इसी तरह के दूसरे मामले में मुकदमात मुअत्तल किए थे। वकील ने कहा वकला ने काला कोट इसलिए पहना है कि 150 लोग साथ लेकर जाएं, सोशल मीडिया पर हमारा मजाक बनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि मुल्जिम जब अदालत आता है तो वकील मारपीट करते हैं।